तो हम आए हैं कुतुब मीनार, अभी रास्ते में हैं। अभी 534 बस से उतरे हैं और हमें उतारा है सीधा स्टैंड पे। तो बस थोड़ा सा 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आपको कुतुब मीनार के अंदर का दिखाते, पूरा नज़ारा एक्सप्लोर कराते हैं। जल्दी आ जाओ, चलिए चलते हैं। तो अगर आप अपनी कार या बस से जिससे भी आते हैं तो ये है इसकी पार्किंग, देख सकते हैं कितनी बड़ी पार्किंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुतुब मीनार कितनी इसकी ऊंचाई है, सारी नॉलेज देंगे। बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है, टिकट लेंगे, पूरी जानकारी दूंगा आपको, अंदर चलते हैं। दोस्तों हमने अंदर एंट्री कर ली है, ये टिकट घर है कुतुब मीनार का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, कोशिश करते हैं ऑनलाइन टिकट लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, रश का टाइम है, संडे है आज। तो देखता हूँ मैं ये टिकट काउंटर की वैल्यू है। नॉर्मल टिकट 40 रुपये, नगद रसीद। तो दोस्तों एंट्री कर लिया, देख सकते हैं कितनी भीड़ है, संडे को बहुत मुश्किल से एंट्री हुई टिकट लेने का। तो ये देखो मुगल गार्डन और ये मुगल मस्जिद और मुगल सराय, तीनों अंदर। और ये देख सकते हैं आप, ये है कुतुब मीनार, बहुत ही सुंदर। देख सकते हैं पूरे अंदर का नज़ारा, आप कितनी भीड़ है आज देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसके बारे में मैं आपको सारी नॉलेज भी दूंगा कि कब बना था, कितनी इसकी मीटर ऊंचाई है। सुना है इसकी 2 मंजिल जो ऊपर थी वो गिरा दी गई हैं, अब पता नहीं है सच्चा कि झूठ, बट यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देख के काफ़ी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे कुतुब मीनार, काफ़ी इसकी ऊंचाई है, ये देखिए पूरे भी 5 मंजिल है। वाह, और काफ़ी भीड़ है यहाँ दोस्तों। और इतने सारे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि संडे है, संडे के दिन हर कोई घूमना चाहता है। तो दोस्तों आने का बहुत ही सिंपल रास्ता, अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो मेट्रो रख सकते हैं सीधा कुतुब मीनार, ठीक है, मेट्रो स्टेशन है। और अगर बस से आना चाहे बस से आ सकते हैं, सरकारी बस, आई मीन जो भी कैब ऑटो, हर तरह की फैसिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए आज मैं आपको ये दिखाता हूँ, और पास ही हमारा एरोप्लेन का जो एयरपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं लगातार फ्लाइट्स आती रहती हैं। तो दोस्तों ये है लौह स्तंभ, आप देख सकते हैं लौह स्तंभ है, ठीक है, ये लौह स्तंभ है कुतुब मीनार का भी, यहाँ इसकी बहुत ही मान्यता है कहते हैं। तो ये लौह स्तंभ है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नक्काशी पहले के टाइम पे हुआ करती थी। तो ये कुतुब मीनार दिल्ली का मेहरौली में, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आगे चलते, क्या क्या है आगे, गार्डन भी है।
तो संडे को काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे। और दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक है, तो इसी बीच आएँ, रात को 9 बजे तक खुला रहता है, 8 बजे तक एंट्री होती है। और टिकट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ऑनलाइन ही ले लेना आप बारकोड से, नहीं तो फिज़िकली लाइन लगा के आपको लेना पड़ेगा, बहुत भीड़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन्जॉय करते हैं, घूमिए मेरे साथ कुतुब मीनार, बने रहे वीडियो में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों कुतुब मीनार एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच चुके हैं पीछे की साइड, आप देख सकते हैं हाउ मैनी टूरिस्ट्स। क्या तो दोस्तों आपने पद्मावत मूवी तो देखी होगी, तो उसमें थे खिलजी जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उनकी कब्र दिखाता हूँ मैं जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार में ही है। ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र दोस्तों, अब तो ऐसे ही है, बस कब्र बना रखी है खिलजी जिन्होंने हरा दिया था सबको, बट माँ पद्मा वतरानी दी से हार गए थे। होप दोस्तों आपको मेरे कुतुब मीनार की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये 1192 से 1210 के बीच की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसकी जो 238 फीट 379 सीढ़ियों से भारत की सबसे ऊंची मीनार है ये देखिए दोस्तों इसके। होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।